Hi guys, warm welcome. Today I am going to solve task 1, that is from Cambridge 18 test 1, which is basically a line graph. As you can see, it is in front of you. And during this video I'll be basically making 5 parts. Sabse pehle main understanding ki baat karunga, uske baad main vocab building karunga, then we will have some analysis so that we could have focus on key features to conclude things better. Then we will start writing, and at the end I will have some assessment to help you guys how task is assessed. So let us start. So as always, hum sabse pehle illustration ke upar dhyan dete hain ki this line chart is having 4 lines jo ki Philippines, Malaysia, Thailand, Indonesia ki baat kar rahi hain, and y axis mein humko percentage of total population diya hai, yani ki year by year ki jo kitni population thi, and on the top it is showing percentage of population living in cities, yani ki jo shehar mein rehne wale logo ki abadi mein variation kar raha hai ye task. And then we can also go through the introduction, the starting statement of the task. The graph below gives the information about the percentage of the population in 4 Asian countries living in cities from 1970 to 2020 with prediction for 2030 and 2040. यानी कि हमने इस टास्क को till 2020 पास्ट टेंस में एक्सप्लेन करना है, एंड 2020 के बाद हम 2030 और 2040 की बात हम लैंग्वेज ऑफ प्रेडिक्शन से यहां पर एक्सप्लेन करेंगे. राइट, सो विद दिस वी हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. अब हम थोड़ा सा यहां पर वोकैब बिल्डिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि हमको यहां पर सिटी के बारे में बार बार बोलना है. सो फॉर सिटी वी कैन यूज वर्ड्स अर्बन एरिया, अर्बन स्टेट, मेट्रोपोलिस, और लोगों की भी हमको बात करनी है. तो हम लोगों को हम ड्वेलर्स, सिटीजन्स, इनहैबिटेंट्स कह सकते हैं. पॉपुलेशन के लिए हम पॉपुलेस, इनहैबिटेंट्स यूज़ करेंगे. यहाँ पर हमको परसेंटेज के सिनोनिम्स भी चाहिए, विच कैन बी प्रोपोर्शन एंड परसेंटाइल. एंड देन वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, हम जब फिलीपींस के, मलेशिया के, थाईलैंड के, इंडोनेशिया के लोगों की बात करेंगे, वी विल यूज़ फॉर फिलीपींस फिलिपाइन, फॉर मलेशिया मलेशियन, फॉर थाईलैंड थाई, एंड फॉर इंडोनेशिया इंडोनेशियन. राइट, तो हम ये वेरिएशंस यूज़ करेंगे. Now let's have a deeper look for analysis. Now analysis says कि अब सबसे पहले अगर हम फिलीपींस की बात करते हैं कि which is denoted by line blue, तो फिलीपींस बेशक सबसे आगे थे 1970, पर at the end by 2040 ये तीसरे नंबर पे रह जाएंगे. तो यहाँ पर population expansion, जिसको कि हम दूसरे शब्दों में urbanization भी कह सकते हैं, इतना स्प्रेड नहीं हुआ, इतना फास्ट नहीं हुआ. देन इफ़ वी हैव एग्जाम्पल ऑफ मलेशिया, ना मलेशिया इज़ लीडिंग द रेस, क्योंकि मलेशिया ने 1990 के बाद ही फिलीपींस को ओवरटेक किया, एंड बाय द टाइम 2040 इसमें लगभग हम कह सकते हैं 80%, और इन अदर वर्ड्स विच कैन बी सेड कि इनकी 4/5 आबादी शहरों में रहेगी. And then further if we talk about Thailand, now for Thailand इनकी जो initially less than 20% आबादी शहरों में थी, और gradually increase करते हुए फिर over the period of time इन्होंने बहुत बहुत marginal increase किया, और फिर further 2020 और 2040 के between एक यूनिफॉर्म ग्रोथ लेने के बावजूद भी दे विल बी हैविंग ओनली 50% ऑफ देयर पॉपुलेशन लिविंग इन सिटीज. एंड फर्दर इफ वी टॉक अबाउट इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का ट्रेंड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली है कि इन्होंने दो देवर हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज इन 1970, बट बाय द टाइम ऑफ 2040 इनके पास मोर देन 50%, यानी कि 55% टू बी प्रिसाइज, पीपल वर लिविंग इन सिटीज. सो फाइनल वी कैन कंक्लूड इज कि जो मलेशिया के अंदर अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा हुई है, और वेर एज बाकी देशों में इतनी अर्बनाइजेशन नहीं हुई. हालांकि सभी कंट्रीज़ के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड. सो विद दिस आवर एनालिसिस पार्ट इज़ ऑल्सो ओवर, एंड वी कैन नाउ स्टार्ट राइटिंग आर टास्क. और हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि दिस इज़ मल्टी लाइन चार्ट जो कि शो कर रहा है प्रोपोर्शनल वेरिएशन इन सिटी पॉपुलेस. सो लेट सी द मल्टी लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स प्रोपोर्शनल वेरिएशन इन सिटी पॉपुलेस. और ये सिटी पॉपुलेस है 4 एशियन कंट्रीज़ की, ऑफ 4 एशियन कंट्रीज जो कि फ्रॉम 1970 टू 2020 बात कर रही है, एंड प्रोजेक्शन फॉर 2030 एंड 2040 भी हमको शो कर रही है. राइट, सो विद दिस
our introduction is complete. Now let's start with फर्स्ट टू कंट्रीज़. हम फिलीपींस और मलेशिया की बात इकट्ठे करेंगे, इनकी कंपैरिजन करके बात करेंगे. और ओवरऑल हम एक मेन बात ये भी यहाँ पर लिख देते हैं कि सभी कंट्रीज़ ने अर्बनाइजेशन में हाइक विटनेस की. सो वी कैन से प्रीमा फेसी ऑल कंट्रीज़ विटनेस्ड हाइक इन अर्बनाइजेशन. इन्हें सभी ने हाइक इन अर्बनाइजेशन विटनेस की. और फिलीपींस और मलेशिया की बात करते हैं. सो फिलिपाइन एंड मलेशियन अर्बन पॉपुलेशन रोज फ्रॉम 30% to 49% and 46% in 1990. तो ये इतनी इंक्रीज़ हो गई. और हमने पहले दो डेकेड्स की बात कर दी और हम यहाँ पे रिस्पेक्टिवली भी लिख देते हैं. अब इस पॉइंट के बाद जो टिल 2010 की हम बात करेंगे, और टिल 2010 में हम अगर फिलीपींस की बात करते हैं तो वहाँ पर हमको एक रिवर्स ट्रेंड देखने को मिला. सो बियॉन्ड दिस टिल 2010 रिवर्स ट्रेंड इमर्ज्ड इन फिलीपींस, राइट. पर इसके बाद हम ये देखते हैं कि हल्का सा इसमें हमको इंक्रीमेंट भी दिखा है, बट लेटर थिंग्स रिटर्न्ड एंड बाय 2040, अब हम सीधी ही बात 2040 की भी कर देते हैं, एंड बाय 2040 मोर देन हाफ ऑफ द पब्लिक इज एक्सपेक्टेड टू बी इन सिटीज. अब इनकी मोर देन हाफ ऑफ द पब्लिक जो कि हम देख लेते हैं, विच इज ऑलमोस्ट 50%. सो हेयर वी हैव कम्प्लीटेड दिस. अब हमने जहाँ पर 1990 के अंदर हमने मलेशिया को छोड़ा था, मलेशिया की बात शुरू कर देते हैं. वेर एज मलेशियन सिटीज़, अब मलेशियन सिटीज़ ने क्या किया, इन्होंने शार्प राइज रजिस्टर किया 21st सेंचुरी के शुरुआती सालों में. वेर एज मलेशियन सिटीज़ रजिस्टर्ड शार्प राइज इन अर्ली 21st सेंचुरी. और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए या इसी मोमेंटम को फॉलो करते हुए इनके पास 80% पब्लिक होगी मेट्रोपोलिसिस में बाय 2040. एंड बाय फॉलोइंग दिस मोमेंटम देयर वुड बी 80% ऑफ पब्लिक इन मेट्रोपोलिसिस बाय 2040. नाउ फर्दर वी कैन टॉक अबाउट थाईलैंड. अब हम थाईलैंड की बात पहले पूरी कंप्लीट कर देते हैं, फिर वी विल मूव टू इंडोनेशिया. नाउ थाईलैंड 18% पॉपुलेशन थी इनकी सिटीज़ के अंदर, तो पहले हम ये बात कर लेते हैं, जो कि बाद में 10% इंक्रीज़ होती है अगले 20 ईयर्स में. सो फर्दर इन थाईलैंड इन 1970 18% ऑफ इनहेबिटेशन लिव्ड इन सिटीज़ विच इंक्रीज्ड बाय 10%, जो कि इंक्रीज होती है बाय 10% आफ्टर 20 ईयर्स, राइट. अब यहाँ पर हम एक ऑलमोस्ट स्टेबलाइजेशन देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक हम कंट्रास्टिंग कनेक्टर डाल सकते हैं. दो फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स ये जो ट्रेंड था ये स्टेबलाइज हो गया, दिस ट्रेंड ऑलमोस्ट स्टेबलाइज. तो ट्रेंड से मेरे को मतलब है जो इनहेबिटेशन जो कि शिफ्ट हो रही थी या जो शहरों में रह रही थी या शहरों में जो बढ़ रही थी. अब इसके बाद मैं सीधी बात कर दूंगा 2040 की, जब तक कि ये 45% पब्लिक शहरों में रहेगी. सो बाय 2040 थाई अर्बन एस्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव 45% ऑफ ऑल पब्लिक. Now, talk about Thailand is also over. Now we are left with only Indonesia. अब हम इनकी बात थोड़ी अलग तरीके से करते हैं कि इंडोनेशियंस ने भी ह्यूजली अर्बनाइज किया और उन्होंने भी एक यूनिफॉर्म पेस को मेंटेन किया. और बाय 2040 इनकी 2/3 जो होगी पॉपुलेशन वो अर्बन एरियाज में रहेगी. सो वी कैन से इंडोनेशियंस टू ह्यूजली अर्बनाइज्ड एंड दे मेंटेन्ड यूनिफॉर्म पेस. And by 2040, there would be almost 2/3 population in urban areas. तो यहाँ पर हमने इंडोनेशिया की भी बात खत्म कर दी. एंड सो फाइनली इन कंक्लूजन व्हाट वी कैन से, सभी नेशंस ने अर्बनाइजेशन को रिकॉर्ड किया. और आने वाले सालों में मलेशिया जो कि प्रेडिक्टेड किया जाता है कि वो लीड करेगा. सो व्हाट वी कैन से इन ओवरव्यू ऑल नेशंस रिकॉर्डेड अर्बनाइजेशन एंड इन कमिंग ईयर्स मलेशिया इज प्रेडिक्टेड टू लीड. अब यहाँ पर हम कंट्रास्ट भी कर देते हैं, जबकि रिमेनिंग कंट्रीज़ के अंदर लगभग उनकी आधी आबादी अर्बन एरियाज़ में यानी कि अर्बन स्टेट्स में रहेगी, वेर एज रिमेनिंग कंट्रीज़ वुड हैव ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देयर इनहेबिटेशन इन अर्बन स्टेट्स. तो यहाँ पर हमने टास्क को 191 वर्ड्स में पूरा कर दिया.
Now finally, if we talk about assessment, this task gives you variety of different structures. यहाँ पर बहुत सारे synonyms use किए गए हैं, जैसे कि we have already discussed. And in addition to this, यहाँ पर different sentence structures भी दिए गए हैं ताकि आपके पास sentence variety बहुत ज़्यादा रहे. And on the top of everything, बहुत ज़्यादा focus ये किया गया है कि sentence clarity रहे. आप जब country to country, जब आप data को understand कर रहे हैं without putting so many words, there sentence accuracy has also been maintained. There can be only one weaker point is कि body paragraphs के अंदर आपको कुछ comparatives नज़र नहीं आएंगे. And finally, by keeping all things in mind, this task still has ability to score 7.5 bands. So finally guys, if you are appreciating my effort, don't forget to share and like my video and don't forget to subscribe the channel. So bye bye guys, we'll meet in next video.